नमस्ते, विकास समाचार में आपका स्वागत। कड़क धूप में खड़े रहकर ट्रक टेम्पो के ड्राइवर किन्नर और अन्य मुसाफिरों को रोलेक्स होटल के मालक और उनके साथियों की मदद से मुफ्त खाना, नाश्ता और पानी से उन्हें महफूज किया जा रहा है। लॉकडाउन हुआ है तब से एक सहारा देने का नेक काम कर रहे हैं। कोरोना ने पूरे दुनिया में कहर मचाया है, इसी तरह हिंदुस्तान में भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि हम सबको इस खतरनाक बीमारी से बचना है तो लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, और आज सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मोटर वाहन, रेलवे, हवाई जहाज प्रवास करने के सभी साधन बंद हुए है, इस वजह से होटल दुकान ही बंद है। पैदल जाने वालों, प्रवासियों को और अत्यावश्यक सेवा देने वाले मोटर वाहनों के ड्राइवर किलर, इन सभी को महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में नांदगांव में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर इंसानियत के नाते भूखे को खाना और प्यासों को पानी, नाश्ता देने का काम रोलेक्स होटल के मालक जाहिद जगराला और उनके साथ उनके सहयोगी दीपक माने, शेख भाई और साथी तेज धूप में खड़े रहकर नेक काम कर रहे हैं। एक नजर उनके कार्य पर। तुम्हें कुठून आला होता? वाशी। एक मिनट, कहाँ से आए आप लोग? वाशी। वाशी कहाँ जा रहे हो? ये गुजरात। भाजी पला। वाशी से इधर तक आपको किसी ने कुछ मदद किया खाने पीने के? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल अभी आया। ओके, इस टाइम आप लोग कहाँ से आए भाई? हम लोग सूरत से मुंबई गए थे। सूरत से मुंबई? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी रिटर्न सूरत जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया अभी? अभी सब्जी और रोटी दिया गया है। सब्जी रोटी दिया गया है। और पानी की बोतल। कैसा लगा आपको? नहीं, पैसा नहीं लगा। नहीं, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा सुविधा। पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के वजह से हाईवे पे गाड़ी नहीं है और होटल बंद है, सब कुछ बंद है। उसके वजह से यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रहे हैं, जो दवाई की गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके जा रहे हैं गाड़ियों में, वो भूखे पैसे बेचारे इधर से प्रवास कर रहे हैं उनका। लेकिन रॉलेक्स इन होटल के मालक है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे पानी देते हैं वो, उसके बाद यहाँ के लोगों को पानी देते हैं और साथ में रोटी, सब्जी और कुछ खाने के चीज़ें दे रहे हैं वो लोग यहाँ पे उन बेसहारा लोगों को। अभी एक गाड़ी कहाँ कोल्हापुर से आई थी, उनको भी अभी दिया गया है वहाँ पे। और ये नज़ारा देखो, ये हाईवे पे ये लोग जमे हुए हैं और ड्राइवर लोगों की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं ये लोग। ड्राइवर लोगों को रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो एक अच्छा काम इस हाईवे पे हो रहा है। जो भूखे पैसे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी इधर अनाज का, खाने का बंदोबस्त किया है। आप लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? हम आए हैं जो है सूरत से, जा रहे हैं बॉम्बे। बॉम्बे, अच्छा। कहीं रास्ते पे आपको कुछ मिला खाना पीना? अभी तो रास्ते में नहीं मिला, यही होटल पे मिल रहा है। यही होटल पे मिल रहा है? अच्छा अच्छा, यही होटल पे मिल रहा है उनको तो बहुत खुश है वो लोग। ये अन्ना का, अन्ना है तमिलनाडु से आया हुआ है अन्ना। अन्ना को भी, अन्ना आप कहाँ से आए हो? तमिलनाडु से आया। कुछ खाना पीना रास्ते में नहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ पे मिला आपको कुछ? इधर है ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे उनको खाना पीना दे जा रहा है रॉयल्स रॉलेक्स इन जो होटल जो है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की है। उनके मालक है साथ में हमारे, और कुछ यहाँ के कार्यकर्ते भी साथ में हैं। तो हमारे साथ में दीपक जी है। दीपक जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो बेसहारों को आज इधर खाना दे जा रहा है, क्या बोलेंगे आप उसके बारे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं होटल रॉलेक्स इन वाले जाहिद भाई जगराला। बहुत अच्छा लग रहा है देख कर नज़ारा, और आने जाने वाले को सब सुविधा मिल रहा है, खाना दे रहे, पानी दे रहे। अच्छा। और कई इधर किधर नहीं, रास्ते पे किधर मिल रहा नहीं उनको, और यहाँ पे मिल रहा है, ये देख के बहुत बहुत खुशी हो गई। भूखे को खाना मिल रहा है, पैसे को पानी नहीं मिल रहा है। भूखे को खाना मिल रहा है, पैसे को पानी मिल रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो देख के अच्छा लग रहा है। देखो हाईवे पे पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आज बेचारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन खाना पानी दाना कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन रॉलेक्स इन होटल के मालक, उन्होंने यहाँ पे आज बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और उधर गाड़ी रुके हैं,
बम्बई जाने वाले गाड़ियाँ भी रुक रहे हैं, उनको भी वो भाग भाग के पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उनको भी वो लोग एक सहारा दे रहे हैं बेचारे भूखेओं को, भूखे हैं उनको दे रहे हैं, प्यासे हैं उनको पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। आज मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पे नांदगांव तरफे मनोर जो गांव है, यहाँ पे एक रॉलेक्स होटल है और रॉलेक्स होटल के मालक जाहिद भाई जगराला हमारे साथ में हैं। हम उनसे ही बातचीत करने वाले हैं क्योंकि ये सुविधा प्यासे को पानी और भूखे को खाना दे रहे हैं, वो आज बेसहारा को सहारा दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। शाहिद भाई, ये जो तुम शुरू किए हैं सुविधा, ये कितने दिन से आप देते आ रहे हो और कितने दिन तक देने वाले हो? जिस दिन सर लॉकडाउन शुरू हुआ तो दो दिन तो मुझे पता नहीं था, फिर मैंने पुलिस चौकी से परमिशन लिया, मनोर अपने पुलिस चौकी से साहब से परमिशन लिया कि मुझे ऐसा ऐसा सोशल वर्क करना है, तो साहब ने मुझे परमिशन दिया। उसके दो दिन के बाद से तब से लेकर कंटिन्यू अभी तक चालू है। सुबह में हम 7 बजे से लेके दोपहर में 11 बजे तक केला फ्रूट की आइटम ये सब देते और पानी बिस्किट ये देते चाय, और दोपहर में 11-12 बजे के बाद जो ट्रक चल रही है मेडिकल है सब्जी वाली है कोई भी है चलते जा रहे थे उन लोग को उन सबको सब्जी रोटी हम लोग देते रहते। शाम के 9-10 बजे तक हम लोग देते सर, और खाते रहे, कोई भूखा नहीं मरे, और नहीं हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम कोई ये जाति भेद नहीं रख रहे। अभी तक कितने लोगों को आपने खिलाया? बेहिसाब सब खिलाया हूँ, 4-5 हज़ार लोगों को। मेरे हिसाब से कम 5,500 के ऊपर ही होगा, और यहाँ पे नहीं मैं आगे जाके भी देके आ रहा हूँ, चारोटी भिलाड़ टोल टैक्स तक जाके मैं अपनी कार लेके कार में केला सब्जी सब स्टॉक करता हूँ, परमिशन लिया हूँ और जाके वहाँ जाके ड्राइविंग करके देके भी आता हूँ, क्योंकि पहले पब्लिक फंसी हुई थी तो वहाँ पे पब्लिक पुलिस वाले सब रुका के रखे थे, तो वहाँ पे भी मैं जाके दे रहा था। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, अभी ड्राइवर लोग भी हमारे पैर पड़ रहे कि आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये थे जगराला साहब, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ हाईवे पे काम शुरू किया है, जो लोग छोटे छोटे बच्चे भी है उसमें भूखे में उनके लिए भी उन्होंने इधर सुविधा उपलब्ध की है, और बहुत अच्छा काम काज चला है उनका। कैमरामैन नकीब मुकादम सर, आरिफ पटेल, विकास।